नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ भैया जी सरकार द्वारा नर्मदा और अन्य सहायक पवित्र नदियों के जल शुद्धिकरण, संरक्षण, संवर्धन और दिन रात हो रहे अवैध रेत उत्खनन को बंद कराने के लिए 500 दिनों से सत्याग्रह किया जा रहा है। इसको लेकर भैया जी सरकार प्रदेश के विभिन्न जिलों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसको लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है। वर्तमान में भैया जी सरकार होशंगाबाद और आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर जागरूक कर रहे हैं। आज राजधानी प्रवास के दौरान भैया जी सरकार ने ईएमएस टीवी से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केवल भाषणों में ही नर्मदा को बचाने की बात करते हैं, जमीनी स्तर पर उन्होंने इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आज नर्मदा के तट और पथ पर रेत निकालने का कार्य लगातार अवैध तरीके से हो रहा है। नर्मदा पथ पर नशे का कारोबार चल रहा है, नदी में गंदे नाले मिल रहे हैं, वहीं सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। भैया जी सरकार ने सामाजिक संगठनों से अपील करते हुए कहा कि संगठन नर्मदा के संरक्षण को लेकर आगे आए। आज बड़ी एक शर्मनाक स्थिति है कि 500 दिन बीत जाने के बाद भी प्रदेश के मुखिया ने जो है वो इस विषय पर जिस विषय पर सत्याग्रह चल रहा है वो हमारे पास किसी प्रकार की कोई सूचना या संदेश नहीं है। अब धीरे धीरे होशंगाबाद में ये सत्याग्रह प्रवेश हुआ और आज हम कुछ क्षणों के लिए नर्मदा भक्तों से मिलने के लिए हम भोपाल में आए और वो हम चाहते यदि वो नर्मदा पुत्र है तो आए उस तट और उस पथ पर, उसी तट और उसी पथ से जो है उनको वो मान और प्रतिष्ठा मिली है। आज वो नर्मदा पुत्र होने का दायित्व पूर्ण करें और जो अंधाधुंध रेत का उत्खनन जो चल रहा है उसको पूर्णतः बंद करने में ठोस निर्णय और फैसले लें। संरक्षण और संवर्धन की योजनाएं वो तब तक सार्थक नहीं हो पाएंगी जब तक ये खनन चलता रहेगा और दिन रात वो गंदे नाले मिलते रहेंगे। भोपाल से ईएमएस